नमस्कार, मैं हूं रवि जांगड़ा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हरियाणा और देश के अन्य हिस्सों में अध्यापक लगने के लिए अनिवार्य अध्यापक पात्रता परीक्षा देने के इच्छुक अभ्यर्थी अब आज से ऑनलाइन आवेदन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं। जी हाँ, आज से शाम 6 बजे से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे, जो कि 10 नवंबर रात्रि 12 बजे तक आवेदन किए जाएंगे। 11 और 12 तारीख को त्रुटियां दूर कर सकेंगे, या जिस तरह की कोई क्यूरी है या कोई त्रुटि है या कोई अपडेशन है वो की जाएगी और उसके बाद उनको लॉक कर दिया जाएगा। दरअसल 2 और 3 दिसंबर को हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन पूरे प्रदेश भर में किया जाना है। हालांकि अगर आंकड़ों की हकीकत पर गौर फरमाया जाए तो वर्ष 2021 में 187,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। अगर 2022 के आंकड़ों की बात की जाए, 307,618 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था और परीक्षा दी थी। इस बार हालांकि कितने परीक्षार्थी आवेदन कर पाएंगे, कितने परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, ये तो 10 तारीख के बाद कहना उचित होगा, मुनासिब होगा। लेकिन फिलहाल बोर्ड के द्वारा अब ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो विद्यालय शिक्षा बोर्ड के एक लेवल की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को 1,000 रुपये अदा करने होंगे। दो लेवल की अगर परीक्षा कोई विद्यार्थी देना चाहता है, कोई अभ्यर्थी देना चाहता है, तो उसको 900 के हिसाब से 1,800 रुपये देने होंगे। और तीनों लेवल की, यानी लेवल 1, 2, 3, तीनों ही लेवल की अगर कोई अभ्यर्थी परीक्षा देना चाहता है तो तीनों लेवल के लिए 800 रुपये प्रति लेवल के हिसाब से 2,400 रुपये यानी 2,400 रुपये देने होंगे। इस बार एक नया ऑप्शन विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर दिया गया है। जब अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो ना केवल चैटबॉक्स के जरिए वो जान पाएंगे, कोई अगर उनकी क्यूरी है या किसी तरह से कोई करेक्शन करना चाहते हैं या कोई और दूसरी तरह की दिक्कत है उसको वो जानना चाहते हैं तो चैटबॉक्स के जरिए जान पाएंगे। इसके अलावा अभ्यर्थी जो है ना केवल चैटबॉक्स बल्कि हेल्पलाइन हेल्प डेस्क के जरिए भी वो जान पाएंगे। तो बहरहाल इंतजार खत्म हो चुका है और अभ्यर्थी आज से आवेदन कर सकते हैं।